नमस्कार, मैं हूँ रुचि शर्मा। वेब थ्री की तमाम बड़ी खबरें लेकर हाजिर हैं हम। जैसा कि कॉइन टेलीग्राफ ने कहा है, एक टेक्नोलॉजी इन्वेस्टमेंट कंपनी कोचू मैनेजमेंट ने ओपन सी एक नॉन फंजिबल टोकन प्लेटफॉर्म में अपनी स्टेक वैल्यू 90% कम कर दी है। कॉइन टेलीग्राफ के अनुसार 7 नवंबर 2023 को द इंफॉर्मेशन द्वारा जांचे गए एक डॉक्यूमेंट में कहा गया कि कोचू ने अपनी इन्वेस्टमेंट $120 मिलियन से घटाकर $13 मिलियन कर दी है। जैसा कि समझा गया है, इस डेवलपमेंट ने ओपनसी का ऑन पेपर वैल्यूएशन $1.4 बिलियन तक पहुंचा दिया है। ऐसा माना जाता है कि कोचू ने वेब 3.0 पेमेंट प्रोवाइडर मूनपे में अपने इन्वेस्टमेंट का 90% डिवैल्यू भी कर दिया है। कॉइन टेलीग्राफ के डेटा के आधार पर एनएफटी ट्रेडिंग अफेयर्स में एक साल पुरानी गिरावट के साथ साथ बेयर मार्केट के इम्प्लिकेशंस के कारण ओपनसी ने ओपनसी 2.0 के रूप में रीलॉन्च करने के लिए अपने एम्प्लॉय बेस को 50% तक कम करने के बारे में खुलासा किया। ओपनसी के सीईओ डेविन फिंजर ने उल्लेख किया कि नया ओपनसी मॉडल अपनी स्पीड और क्वालिटी को बढ़ाने के अलावा टेक्नोलॉजिकल अपग्रेड्स पर जोर देगा। फिंजर के लिए एक छोटी टीम प्लेटफॉर्म को फुर्तीला और चौकस बनाए रखने में सक्षम बनाएगी। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मैजिक ईडन ने पॉलीगॉन नेटवर्क पर यूजर्स के लिए नए फीचर्स का एक सेट पेश करने के लिए अपने प्लेटफॉर्म को बढ़ाया है। ये कदम यूजर एक्सपीरियंस को सुव्यवस्थित करने के लिए तैयार किया गया है, विशेष रूप से नॉन फंजिबल टोकन से जुड़े लोगों के लिए। प्रमुख एनएफटी मार्केटप्लेस मैजिक ईडन ने पॉलीगॉन के साथ अपने संबंधों को मजबूत करने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। नतीजतन प्लेटफॉर्म ने एक इनोवेटिव एग्रीगेटर टूल पेश किया है। ये टूल अलग अलग मार्केटप्लेसेस से लिस्टिंग को कंसोलिडेट करने, यूजर्स के लिए रिसर्च और सर्च और एक्विजिशन प्रोसेस को सरल बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। इसके अलावा मैजिक ईडन ने अपने पॉलीगॉन पॉइंट ऑफ सेल मार्केटप्लेस के भीतर ट्रांजैक्शन के लिए एक रॉयल्टी इन्फोर्समेंट मैकेनिज्म स्थापित किया है। ये सुनिश्चित करता है कि क्रिएटर्स को सेल से उनकी उचित कमाई मिले, जिससे मार्केटप्लेस के फाइनेंशियल डीलिंग्स की इंटेग्रिटी बनी रहे। मैजिक ईडन के पब्लिकली अवेलेबल पॉलीगॉन API का लॉन्च एक और महत्वपूर्ण प्रगति का प्रतीक है। अब डेवलपर्स अपनी प्रोजेक्ट्स में मार्केटप्लेसेस की फंक्शनैलिटीज को सहजता से शामिल कर सकते हैं। इसीलिए पॉलीगॉन इकोसिस्टम के भीतर नए एप्लीकेशंस और सर्विसेज की संभावनाएं विशाल हैं। बाकी अहम खबरों के लिए करते हैं विशाखा का रुख। हेल्थ केयर के लिए एक्सटेंडेड रियलिटी टेक्नोलॉजी का उपयोग करने वाले स्टार्टअप वियॉन्ड मेटावर्स ने एक रियल टाइम डिजिटल सर्जरी की सुविधा प्रदान करके अनप्रेसिडेंटेड मेडिकल सफलता हासिल की है। पेरिस फ्रांस में एक प्रॉक्टर सर्जन ने म्यांमार के यंगॉन में एक काउंटर पार्ट और पेशेंट के साथ कोलैबोरेट किया, जो कि 8,800 किलोमीटर की आश्चर्यजनक दूरी है। इस महत्वपूर्ण उपलब्धि का केंद्र कंपनी का वियॉन्ड कनेक्ट प्लेटफॉर्म था। 13 सितंबर को पेरिस टाइम सुबह 8 बजे और यंगॉन टाइम दोपहर 12:30 बजे पेरिस में सेंट जीन डी ड्यू क्लिनिक आउटिनॉट के रेनाउंड यूरोलॉजी एक्सपर्ट प्रोफेसर डॉक्टर थियरी फ्लैन ने एक सर्जरी का नेतृत्व किया। उनके साथ सहयोग कर रहे थे यंगॉन के श्वेला मेन हॉस्पिटल के डॉक्टर सू। हजारों किलोमीटर दूर होने के बावजूद वियॉन्ड कनेक्ट प्लेटफॉर्म ने उन्हें इस तरह काम करने में सक्षम बनाया जैसे कि वे एक ही कमरे में साइड बाय साइड हों और एक सक्सेसफुल प्रोसीजर में कल्मिनेट हुए। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। लीडिंग डिसेंट्रलाइज्ड वर्चुअल वर्ल्ड सैंडबॉक्स और एनिमोका ब्रांड्स की सहायक कंपनी ने समीक्षकों द्वारा प्रशंसित टेलीविजन सीरीज पीकी ब्लाइंडर्स और ब्लैक मिरर के मेटावर्स स्पिन ऑफ बनाने के लिए बानी जे ब्रांड्स के साथ पार्टनरशिप की घोषणा की है। द सैंडबॉक्स में ब्लैक मिरर के इंटीग्रेशन में NFTs और एवटास की एक फुल रेंज शामिल होगी। पीकी ब्लाइंडर्स ऑफर की विशेषताओं में फेच क्वेस्ट, सीक्रेट रूट्स, एक्सप्लोरेशन और कम्युनिटी फैन गैदरिंग शामिल होंगी। सैंडबॉक्स का ब्लैक मिरर एक्सपीरियंस फैंस को अलग अलग कैरेक्टर्स बनने और डिस्टोपियन ड्रामा सीरीज से प्रेरित यूनिवर्स में इमर्स होने की अनुमति देगा। हर एक्सपीरियंस एक आइकॉनिक ब्लैक मिरर एपिसोड के मेन थीम या कैरेक्टर पर आधारित है, जहां यूजर्स एक्साइटिंग एरियाज को अनलॉक करने, नए कनेक्शन बनाने और ब्लैक मिरर वर्ल्ड को डीपर लेवल पर तलाशने में सक्षम होंगे। ओवर टू यू रोशनी। यूके बेस्ड फिनटेक स्टार्टअप ड्यू ने अपने ब्लॉकचेन बेस्ड पेमेंट प्लेटफॉर्म को आगे बढ़ाने के लिए सीड इन्वेस्टमेंट राउंड में सक्सेसफुली $3.3 मिलियन जुटाया है। ब्लॉक टॉवर, स्पीड इन्वेस्ट, पॉलीमॉर्फिक कैपिटल और डिस्कवरी वेंचर्स जैसे इन्वेस्टर्स के अतिरिक्त समर्थन के साथ फंडिंग राउंड का नेतृत्व सिमेंटिक वेंचर्स और फैब्रिक वेंचर द्वारा किया गया था।
सिड्राउन का उपयोग आमतौर पर किसी स्टार्टअप के विकास के इनिशियल फेजेस को फंड देने के लिए किया जाता है, जिसमें प्रोडक्ट डेवलपमेंट, मार्केट रिसर्च और बिजनेस एक्सपेंशन शामिल होता है। इसके साथ साथ ये प्री लॉन्च एक्सपेंडिचर्स, वेबसाइट क्रिएशन, मार्केटिंग कैंपेन्स और इनिशियल सेल्स ऑपरेशन सहित प्री लॉन्च एक्सपेंडिचर्स को कवर कर सकता है। ड्यू ने कहा कि इसका उद्देश्य अनडिजर्व्ड और इमर्जिंग मार्केट्स को ग्लोबल लिक्विडिटी तक सीमलेस एक्सेस प्रदान करना है, साथ ही कन्वेंशनल मेथड्स की तुलना में ट्रांजैक्शन कॉस्ट को काफ़ी कम करना और सेटलमेंट टाइम्स में तेजी लाना है। तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसी वेब थ्री से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए Three.tv। ऐसी और ज़्यादा अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट www.threeverstv.io पर लॉग ऑन करें या फिर स्कैन करें QR कोड। थैंक यू।